हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियदर्शनी जियोलॉजी। लास्ट क्लास हमारी क्रिस्टलोग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास थी। अब हम सिमेट्री एलिमेंट्स इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले रिवाइज कर देते हैं, व्हाट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल इज ए पॉलीहेड्रल सब्सटेंसेस हैविंग स्मूथ सरफेस व्हिच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है या फिर जो लॉन्ग रेंज 3D इंटरनल ऑर्डर होती है, इसी की वजह से ही हमें स्मूथ सरफेस और नंबर ऑफ स्मूथ सरफेस एक क्रिस्टल में देखने को मिलती है। ऑब्वियस थिंग है, ये एक सॉलिड होगी, क्रिस्टल मतलब सॉलिड होगी और ये होमोजीनियस बॉडी होती है। और एक बात, ये नेचुरली फॉर्म करते हैं। हम जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं, जो एक मिनरल है, मिनरल किस फॉर्म में आती है, क्रिस्टल फॉर्म में आती है। वो जो क्रिस्टल हम स्टडी कर रहे हैं वो नेचुरली फॉर्म होती है। ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में बोला था। सिमेट्री मतलब सिमिलैरिटी। कहाँ पे ये सिमिलैरिटी आती है, यहाँ पे सिमेट्री टू टाइप्स में होते हैं। सिमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में हम सिमेट्री को डिवाइड करते हैं। पहली सिमेट्री, दोज दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसलेशन और रिपीटेशन ऑफ ए मोटिव थ्रू ए वॉल्यूम। ये मोटिव अभी क्या है, मोटिव इन द सेंस आपको कुछ ब्लॉक्स दिए जाते हैं, ठीक है, आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स या फिर छोटे छोटे अरेंजमेंट दिए जाते हैं। अगर ये कम्प्लीटली वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है या फिर रोटेट करती है या फिर कुछ भी चेंजेस होती है, इसको हम बोलेंगे पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इट मीन्स इट इज गिविंग अस ट्रांसलेशनल सिमेट्री, क्योंकि कम्प्लीटली वॉल्यूम ही चेंज हो रही है। अगेन, दोज दैट इन्वॉल्व रिपीटेशन ऑफ मोटिव अराउंड ए पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रही है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जा रही है। लेकिन दूसरे केस में, यहाँ पे अगर एक हम देखें, यूनिट सेल है, एक पॉइंट हमारी स्टेबल होती है, एक पॉइंट यहाँ पे हमारी स्टेबल है, बाकी सारे मूव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज योर पॉइंट सिमेट्री। एक होती है ट्रांसलेशनल सिमेट्री, एक होती है पॉइंट सिमेट्री। आपको दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पे येलो हो गई, यहाँ पे ब्लू हो गई और देन रेड हो गई। अगर कोई चीज यहां से मूव होके यहाँ जाती है, देन यहां से मूव होके यहाँ जाती है, मतलब कंप्लीटली वॉल्यूम ही चेंज हो रही है, इट विल बी नोन एज योर ट्रांसलेशनल सिमेट्री। अब हम पॉइंट सिमेट्री कब बोलेंगे, अगर ये स्टेबल है, अगर ये येलो स्टेबल है लेकिन बाकी सारे रोटेट कर रहे हैं इसको सेंटर बना के, तो इट विल बी नोन एज योर पॉइंट सिमेट्री। अब ये जो ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि जो पॉइंट सिमेट्री है हमने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था। वो पॉइंट सिमेट्री क्या होती है, फेस होती है, प्लेन होती है, फॉर्म्स होती है, ये सारे जाते हैं पॉइंट सिमेट्री के अंदर। जैसे हमने तीन तरह के पॉइंट सिमेट्री पढ़े थे, यहाँ पे देख सकते हैं हमने तीन तरह के पॉइंट सिमेट्री पढ़े थे। एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे क्या होता था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी एक्सिस होती थी जो कि स्टेबल होती थी और पूरा बॉडी रोटेट करता था और पूरा जो क्रिस्टल है वो रोटेट करता था। प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक इमेजिनरी प्लेन होती थी जो कि एक क्रिस्टल को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करता था। और रही सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो भी एक पॉइंट होती थी जिस पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो बोथ ऑफ द साइड में हमारी एज, फेस और सॉलिड एंगल इक्वल डिस्टेंस में आएगी। ये है हमारी पॉइंट सिमेट्री। यहाँ पे बल्क चेंज नहीं होती है, या फिर हम एक एक यहाँ पे एटम को या फिर इधर के एक एक यूनिट सेल चेंज नहीं होते हैं। कम्प्लीटली एक इमेजिनरी प्लेन होती है या फिर इमेजिनरी लाइन होती है या फिर इमेजिनरी सेंटर और पॉइंट होती है। अब चलते हैं हमारे ट्रांसलेशनल सिमेट्री पर। ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री को समझने के लिए हम थोड़े और डिटेल में जानते हैं। अगर हम एक वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर, तो यहाँ पे एक उसकी डायरेक्शन होगी, और अगर इसी वेक्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे एक नोड आती है और उसको कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यूसली ऐसे ही नंबर ऑफ वेक्टर हमें मिलेगा या फिर नंबर ऑफ वेक्टर की चेन मिलेगी, तो हम इसको बोलेंगे
वन डायमेंशनल लैटिस और इसको 1D में हम रिप्रेजेंट किए। लेकिन अगर एक क्रिस्टल हम देखेंगे, एक ये क्रिस्टल है या फिर एक ये क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें तो वन डायमेंशनल नहीं होगा। एक ही लाइन में कोई चीज ऐसे अरेंज नहीं हो सकती है जो कि हमें एक 3D फिगर दे। अगर इस चीज को जो मैं समझा रही हूँ कि एक वेक्टर होती है या फिर एक पॉइंट से वन पॉइंट तक जाने की जो डिस्टेंस होती है, वही डिस्टेंस को अगर हम 2D में रिप्रेजेंट करें तो हमें दूसरा एक वेक्टर लेनी है, बी वेक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं बी वेक्टर, यहाँ पे एक ए वेक्टर है, यहाँ पे एक बी वेक्टर है। अगर एक ही पॉइंट से ए वेक्टर और बी वेक्टर शुरू होते हैं तो इनमें जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं गामा। और जो आप बीच में पॉइंट देख सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है, जैसे मैंने बोला एक ही वेक्टर मतलब एक ही जो डिस्टेंस है, वैसे ही नंबर ऑफ ए वेक्टर को अगर हम ज्वाइन करें यहाँ पे हमें मिलती थी नोड। ऐसे ही अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे हमें मिलेंगे नंबर ऑफ नोड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये है हमारे नोड्स। और ये जो लाइन है वो है हमारी लैटिस लाइन, इसको हम लैटिस नोड बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को। और जो हमारी लाइन होती है वो होती है लैटिस लाइन। तो वेक्टर की अपनी डिरेक्शन होती है और अपनी मैग्नीट्यूड होती है, मतलब ए जो डिस्टेंस है वो जो नोड पे खत्म होती है उसका एक डिस्टेंस होएगा, बी की भी, बी वेक्टर की भी एक जो डिस्टेंस है वो होएगी। तो अभी हम ये समझते हैं ये जो लैटिस अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं प्लेन लैटिस। क्यों हम प्लेन लैटिस बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बस लाइन है, ये जो 3 वेक्टर मैंने बनाए ये बस एक लाइन है, 1D सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि 2D सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम प्लेन लैटिस बोलते हैं। ये लाइन को हम लैटिस लाइन बोलते हैं और ये जो पॉइंट्स होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स होती है, इसको हम लैटिस नोड बोलते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट प्लेन लैटिसेस दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय सिंपल ट्रांसलेशन इनटू 2D। जो हम ट्रांसलेशंस बोल रहे थे, ट्रांसलेशन मतलब वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पहुंचने को, वो हमारी 5 तरीके के हो सकती हैं, 5 तरीके के हमारे प्लेन लैटिस हो सकते हैं। चलिए अब वही 5 तरीके को देखते हैं। द फर्स्ट वन, स्क्वायर प्लेन लैटिस। स्क्वायर प्लेन लैटिस में वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब ए वेक्टर की जितनी हमारी मैग्नीट्यूड होगी बी वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड सेम होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल। और यहाँ पे जो एंगल है वो गामा यहाँ पे 90° है। अगर देखा जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर की तरह ही दिखेगी। अगर एक सेल को देखा जाए ये परफेक्ट स्क्वायर की तरह ही दिखेगी। देन आते हैं रेक्टेंगल प्लेन लैटिस। रेक्टेंगुलर प्लेन लैटिस में क्या होती है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब जैसे ही फिगर में दिया गया है ए और बी सेम नहीं होंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगी, लेकिन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारी 90° ही रहेगी। यहाँ पे जो एंगल गामा है वो 90° ही रहेगी। देन डायमंड लैटिस। डायमंड लैटिस में क्या होती है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी समान नहीं होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होंगे, और गामा की जो वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2B। ये प्रीवियसली फाउंड किया गया है। और ये कैसे फाउंड करते हैं, ले लीजिए ये क्रिस्टल है, ठीक है, इसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे हैं, हम तो क्रिस्टल को तोड़ के देख नहीं सकते। अगर हम तोड़ेंगे भी तो इसके अंदर की अरेंजमेंट वैसे ही टूट जाएगी। तो इस क्रिस्टल की अरेंजमेंट हमारी स्क्वायर शेप की है या फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है या फिर हमारी डायमंड अरेंजमेंट है, कौन सी प्लेन लैटिस इस क्रिस्टल में है, वो हमारी एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से की जाती है। वो एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है हम आगे की वीडियो में जानेंगे। बस ये जान लीजिए एक जैसे हमारी हड्डियों की एक्सरे की जाती है वैसे ही हमें क्रिस्टल के भी एक्सरे करते हैं, और एक्सरे करके उसके अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे हैं, ये स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, डायमंड अरेंजमेंट है, वो सारी चीज़ें हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड में हम इसको पाते हैं।
जिसको हम इनसॉर्ट एक्साडी भी बोलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट फोर्थ हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी और ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू 120 डिग्री। देन आती है अब्लिक। अब्लिक क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा होके रहेगा लाइक पैरेललोग्राम। इसमें ए और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होती है और यहाँ पे जो एंगल होती है वो भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये है आपकी 5 डिफरेंट प्लेन लैटिस। आई होप आप समझ गए हैं व्हाट इज लैटिस, व्हाट इज मोटिफ, व्हाट इज लैटिस लाइन एंड व्हाट इज लैटिस नोड। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो बढ़ते हैं आगे। ये जो 5 तरीके के प्लेन लैटिस हमने देखा है, ये हमें 4 तरीके के शेप प्रोवाइड करते हैं। कौन सी शेप होती है, एक होती है स्क्वायर होती है, एक होती है रेक्टेंगुलर शेप होती है, एक होती है हेक्सागोनल एंड द फोर्थ वन इज पैरेललोग्राम। जो स्क्वायर लैटिस होती है वो हमें स्क्वायर यूनिट मेस देती है। यूनिट मेस मतलब ले लीजिए जैसे आपने बचपन में पजल सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिए गए हैं, अगर इस ट्रायंगल को मिला के आपको कोई बॉक्स बनानी होगी तो आप कैसे बनाएंगे? पहले ऐसे एक ट्रायंगल लेंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल पास में लेंगे, तीसरा ट्रायंगल पास में लेंगे और आपको दो ट्रायंगल चाहिए होगी यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ने के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर दी गई होगी और आपको कुछ बॉक्स जैसे बनाने के लिए बोलेंगे तो आप कैसे बनाएंगे? बस उस स्क्वायर को पास पास ही जोड़ देंगे, ठीक है। वैसे ही हमने जो लैटिस की अरेंजमेंट करी है, जो लैटिस सरफेस हमें मिला है, अगर उसको जोड़ जोड़ के कुछ बनाना होगा तो हमें पहले पता होनी चाहिए वो लैटिस किस शेप में है। वो शेप पता होने के लिए हम ये देखते हैं, यहाँ पे 4 फंडामेंटल शेप बन जाती है। जो स्क्वायर प्लेन लैटिस है वो हमें स्क्वायर यूनिट सेल मेश देगा, जो रेक्टेंगुलर प्लेन लैटिस है वो हमें रेक्टेंगुलर शेप देगा, जो डायमंड प्लेन लैटिस है वो भी हमें रेक्टेंगुलर शेप ही देगा। लेकिन यहाँ पे सेंटर यूनिट मेश लिखा है। सेंटर यूनिट मेश मतलब मैं थोड़ी देर बाद समझाती हूँ, बाकी दो को कवर कर लेती हूँ पहले। जो हेक्सागोनल प्लेन लैटिस है वो आपको हेक्सागोनल शेप देगा, जो अब्लिक प्लेन लैटिस है वो आपको पैरेललोग्राम शेप देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सोचोगे हेक्सागोनल में तो हेक्सागोनल दिख नहीं रही है, लेकिन अभी ये रेड कलर की जो नोड्स हैं वो आप ज्वाइन करो तो आपको ये हेक्सागोनल शेप ही देगी। और ये जो अब्लिक है वो अब्लिक हमें पैरेललोग्राम शेप देगी। यहाँ पे एक चीज मैंने लिखा है, डायमंड प्लेन लैटिस में सेंटर यूनिट में, सेंटर यूनिट में इस मतलब यहाँ पे जो नोड्स होती हैं ये अगर चारों कॉर्नर्स पे होती है इसको हम प्रिमिटिव बोलेंगे। अगर चारों कॉर्नर्स के साथ ये बीच में भी हमें ये नोड मिलती है इसको हमें सेंटर्ड बोलेंगे। तो रेक्टेंगुलर प्लेन लैटिस और डायमंड प्लेन लैटिस में डिफरेंस बस ये है, ये प्रिमिटिव है और ये सेंटर्ड है। प्रिमिटिव मतलब चारों नोड्स चारों कॉर्नर्स पे है और यहाँ पे चारों नोड्स चारों कॉर्नर्स पे है और एक फिफ्थ नोड जो कि इसके सेंटर पे है। इसका मतलब हमें 4 फंडामेंटल शेप ही मिले, एक स्क्वायर शेप मिला, 2 रेक्टेंगुलर शेप मिले, एक हेक्सागोनल शेप मिला और एक पैरेललोग्राम शेप मिला। देन हम बढ़ते हैं स्पेस लैटिस की तरफ। पहले मैंने बोल दिया है ये जो लैटिस होती है वो क्या होती है, अरेंजमेंट्स होती है, ठीक है। हमें यहाँ पे जो 2 डायमेंशनल में देखा वो है आपकी प्लेन लैटिस। अब अगर इसको 3 डायमेंशन में देखें, क्योंकि ये होती है 1 डायमेंशन जहाँ पे आपको बस एक लाइन से मिलती है, एक वेक्टर को अगर हम लाइन बाय लाइन फॉलोअप करते जाएं तो वो आपकी होती है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में हम बिल्कुल भी एक क्रिस्टल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हमने पहले 1 डायमेंशन समझा, फिर हमने 2 डायमेंशन समझा जहाँ पे हमने ये सारे प्लेन लैटिस समझे। अब हम चलते हैं स्पेस लैटिस की तरफ। स्पेस लैटिस क्या होती है, वही चीज़ों को वही अरेंजमेंट को अगर हम
थ्री डायमेंशन में समझे तो वो होती है स्पेस लैटिस। और एक बात आपको बता दूं, इफ द टू डायमेंशनल प्लेन लैटिस आर सिस्टमेटिकली रिपीटेड वन अबव द अदर टू अलाउ फॉर ए ट्रांसलेशन वेक्टर इन द थर्ड डायमेंशन, द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेस लैटिस इन व्हिच द लैटिस नोड आर रिपीटेड इन ऑल थ्री डायमेंशन। मतलब अगर ये प्लेन लैटिस की रिपीटेशन होती है इन थ्री डायमेंशन, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पेस लैटिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर एक स्क्वायर शेप की लैटिस है, यहाँ पे थ्री लैटिस बनाए गए हैं और साइड में भी वही अरेंजमेंट्स हैं। तो ये नंबर ऑफ प्लेन लैटिस मिलके हमें एक स्पेस लैटिस देते हैं। अगर हम एक, ये जो मैंने डार्किन करे हैं, अगर हम एक चीज को देखें, ये जो एक शेप बन गई है नंबर ऑफ लैटिस को लेके देखें, देन इट विल बी नोन एज योर यूनिट सेल। मतलब एक जो छोटा ब्लॉक निकलता है नंबर ऑफ प्लेन लैटिस को लेके, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। और ये पूरा कंप्लीटली जो हमारा बन जाती है उसको बोलते हैं हम स्पेस लैटिस। ठीक है, ये हमारे जो कि थ्री डायमेंशन है, ये हमारे थ्री क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कवर करते हैं और पैरेलल टू द थ्री क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक फ्रंट टू बैक होती है, एक राइट टू लेफ्ट होती है और एक टॉप टू बॉटम होती है। देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइड है, और या फिर पॉजिटिव एंड है, यहाँ पे नेगेटिव एंड है। ये एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, यहाँ से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव बी मिलेगी, और ऑलवेज द टॉप साइड ऑफ द सी इज नोन एज योर पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव बी एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव बी एक्सिस है। वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव सी एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव सी एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव ए एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव ए एक्सिस है। वैसे ही ये जो एंगल अगर हम बनाते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू गामा, इसको हम पहले भी स्टडी किए हैं। वेक्टर ए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू गामा, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी इज इक्वल टू अल्फा, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू बीटा। हमारे कन्वेंशन के लिए हमने ऐसे सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन की गई है अल्फा बीटा एंड गामा। देख सकते हैं सिंगल सिंगल हमारी प्लेन लैटिस से ये मिलके हमारी स्पेस लैटिस प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो बॉक्स है या फिर हमारा जो यूनिट एरिया है उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। ये यूनिट सेल के जो एजेस होते हैं वो हमें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ पैरेलल होते हैं। देख सकते हैं ये ए के साथ पैरेलल है, ये लाइन बी के साथ पैरेलल है, और ये सी के साथ पैरेलल है। हमने पांच डिफरेंट प्लेन लैटिसेस को पढ़ा, यही जो पांच डिफरेंट प्लेन लैटिसेस है अगर उसको अरेंज की जाए तो हमें 14 डिफरेंट स्पेस लैटिस मिलेंगी, जिसको हमें ब्राविस लैटिस भी बोलते हैं। आपने अपने सिलेबस में देखा होगा एक नाम आती है ब्राविस लैटिस, ये क्या होती है, ये जो पांच तरीके के प्लेन लैटिस को अगर अरेंज की जाए तो हमें 14 तरीके के स्पेस लैटिस मिलते हैं, जिसको हम ब्राविस लैटिस भी बोलते हैं। इट इज अगेन ग्रुप्ड इनटू सिक्स ग्रुप। ये जो ब्राविस लैटिस है ये अगेन ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ये सिक्स ग्रुप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, शेप ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल के शेप होते हैं, आप देख सकते हैं एक प्लेन लैटिस मिलके स्पेस लैटिस हुए, स्पेस लैटिस जो एक एक यूनिट सेल बनते हैं या फिर एक एक ब्लॉक बनते हैं, वो ब्लॉक अगर जोड़े जाए तो कोई शेप प्रोड्यूस करते हैं या फिर शेप फॉर्म करते हैं। शेप को बेस करके हमें सिक्स ग्रुप मिलते हैं। वो सिक्स ग्रुप क्या है, आइसोमेट्रिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये जो छह ग्रुप है वो जो शेप के ऊपर हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं और शेप के ऊपर हम इसको ग्रुप बनाए हैं, ये डिपेंड करते हैं यही लैटिस या फिर यही स्पेस लैटिस के ऊपर, जो स्पेस लैटिस डिपेंड करते हैं हमारे पांच प्लेन लैटिस के ऊपर। हम वो जो छह ग्रुप है और जो छह क्रिस्टलोग्राफिक क्लास है, आइसोमेट्रिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, इन डिटेल जाएंगे। तो ये जो छह ग्रुप्स है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं, ये जो छह ग्रुप्स बनाए गए हैं ये हमारे यूनिट सेल के बेसिस पे बनाए गए हैं। ये यूनिट सेल कितने तरीके के आते हैं, ये हमारे फोर टाइप्स के आएंगे यूनिट सेल्स। क्या है फोर टाइप्स,
वन होगी प्रिमिटिव, वन इज बॉडी सेंटर्ड, वन इज प्रिमिटिव, वन इज बॉडी सेंटर्ड, वन इज फेस सेंटर्ड एंड अनदर इज सी फेस सेंटर्ड। जैसे हमने यहाँ पे देखा है फोर फंडामेंटल शेप हमें मिलते हैं कहाँ पे, हम जब प्लेन लैटिस पढ़ रहे थे, वैसे ही स्पेस लैटिस में क्या होती है, हमें एक यूनिट सेल मिलेगी या फिर जो हमारे फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो मिलेगी, वो हमारे चार तरीके के होते हैं। प्रिमिटिव मतलब ये जो लैटिस नोड होते हैं सारे कॉर्नर्स पे होते हैं। अगर ये हमारी एक क्यूब है, यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे ये चार नोड और नीचे चारों कॉर्नर्स पे और चार नोड, मतलब एट नोड्स हमें मिलेंगे। ये होती है हमारी प्रिमिटिव। बॉडी सेंटर क्या होती है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल कंटेंस एन एडिशनल लैटिस नोड एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे एक सेंटर में भी अगर हमें मिलती है, मतलब ये आठ और ये नाइन्थ, अगर ये नौ हमें लैटिस नोड मिलती है तो हम इसको बॉडी सेंटर बोलेंगे। ये फेस सेंटर क्या होती है, फेस सेंटर में हमारे बीच में ये नोड नहीं पाया जाता है, यहाँ पे सारे कॉर्नर्स में मिले जाते हैं और सारे फेस में भी मिले जाते हैं। ये चार चार आठ हो गए, यहाँ पर छः हमें मिलेंगे, सारे फेस के ऊपर ये छः मिलेंगे। ये होती है हमारी फेस सेंटर, सारे कॉर्नर्स पे मतलब जो भी हमें एक क्रिस्टल मिलेगी और यूनिट सेल मिलेगी, यूनिट सेल के सारे कॉर्नर्स पे मिलेंगे और उसके जो फेस होती है वो फेस के बीच में मिलेंगे। लेकिन सी फेस सेंटर क्या होती है, सी फेस सेंटर में यहाँ पे छह लैटिस नोड नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हमें ऑपोजिट साइड पे लैटिस नोड मिलेंगे जो कि टॉप टू बॉटम में गई होगी। यहाँ पे सी एक्सिस कहाँ पे गई है, एक टॉप में मिलेगी और एक नोड हमें बॉटम में मिलेगी। तो हम आते हैं अभी हमारे जो छह क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप हमने बोले और क्लास बोले उसके तरफ आते हैं। मैंने बोल दिया है यहाँ पे, देख सकते हमारे यहाँ पे पांच प्लेन लैटिस होते हैं और 14 डिफरेंट स्पेस लैटिस होती है। ये स्पेस लैटिस कैसे बनती है, ये पांच जो प्लेन लैटिस होते हैं उसके अरेंजमेंट और उसका रिपीटेशन पे बनते हैं। तो चलते हैं ये 14 स्पेस लैटिस क्या होते हैं। जिस 14 स्पेस लैटिस को हम 6 क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप में डिवाइड किए हैं और जिस 14 स्पेस लैटिस को हम 6 क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप में डिवाइड किए हैं और 6 क्रिस्टलोग्राफिक क्लास में डिवाइड किए हैं। वन इज आइसोमेट्रिक, वन इज टेट्रागोनल, आइसोमेट्रिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ये ट्राइक्लिनिक। देख सकते हैं पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। आइसोमेट्रिक में है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ये तीन है आइसोमेट्रिक में। लेकिन टेट्रागोनल में हम क्या पाएंगे, बस प्रिमिटिव अरेंजमेंट पाएंगे और बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट पाएंगे। हेक्सागोनल में हम पाएंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और रम्बोहेड्रल यूनिट सेल। देन ऑर्थोरम्बिक स्पेस लैटिस में हम पाएंगे प्रिमिटिव पाएंगे, सी फेस सेंटर पाएंगे, फेस सेंटर पाएंगे और बॉडी सेंटर पाएंगे, मतलब ये चारों वेराइटीज हम यहाँ पे पाएंगे। देन मोनोक्लिनिक सिस्टम में हम पाएंगे प्रिमिटिव और सी फेस सेंटर्ड। और लास्ट वन हमारी ट्राइक्लिनिक सिस्टम में हम पाएंगे सिंगल स्पेस लैटिस और ऑब्लिक प्लेन लैटिस, जो कि है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हम देख सकते हैं अगर हम गिनती करें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमारे 14 तरीके के स्पेस लैटिस जो है वो यहाँ पे हमने 6 ग्रुप में कैटेगराइज कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम है उसके डिटेल्स में जाएंगे। आई होप प्लेन लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, स्पेस लैटिस क्या है, नोड क्या है, लैटिस नोड क्या है, लैटिस लाइन क्या है, आप ये सारे चीज़ें समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। क्रिस्टलोग्राफिक बुक्स को पढ़ें और समझें इन डिटेल्स, कोई भी क्वेरी हो जरूर पूछें। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।